अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं। इसके आपको दो फायदे होंगे। एक तो इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको कोविड-19 इन्फेक्शन को फैलने से कैसे रोक सकते हैं, इसकी अवेयरनेस मिल जाएगी। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि दुबई की एक यूनिवर्सिटी है, मोहम्मद बिन राशिद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस। जब आप इस सारे अवेयरनेस प्रोग्राम को कंप्लीट कर लेंगे, इसके अंदर MCQs भी होंगे, तो फिर आखिर में आपको मोहम्मद बिन राशिद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। तो आए अब स्टार्ट करते हैं इसको। बेसिकली ये लिंक है इसका, तो ये मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो ये मेरे पास लिंक था यहाँ पे, ठीक है, ईमेल में मैंने इसको क्लिक किया, मेरे पास यहाँ पे ये ऑन हो गया, ठीक है। इसके बाद ये इनका अवेयरनेस प्रोग्राम है। इसका प्रोसेस अब मैं आपको बताने लगा हूँ, इसका प्रोसेस क्या है। जब ये लिंक आपके पास ओपन हो जाएगा तो आपने यहाँ पर आके सबसे पहले आपको इनरोल करना है। ये बिल्कुल फ्री प्रोग्राम है, इसके कोई चार्जेज नहीं है। ये जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा मोहम्मद बिन राशिद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस के, इसके कोई भी पैसे नहीं हैं। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अवेयरनेस प्रोग्राम है दुबई की तरफ से। तो सिंपली आप इसको इनरोल नाउ करेंगे। जब आप इनरोल नाउ करेंगे तो आपके पास ये आपका जो डाटा होगा वो आपसे मांगेगा, आपका नेम, आपका नाम क्या है, ठीक है। ये देखें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी जो है इनरोल किया हुआ है। यू आर ऑलरेडी इनरोल इन, लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन। बेसिकली क्या होगा कि ये आपसे आपका नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आप किस मुल्क से हैं और आपकी रेजिडेंस कहाँ पे है, आपकी ईमेल, जिस ईमेल में ये आपको सर्टिफिकेट सेंड करेंगे, और आखिर में आपने उसको इनरोल नाउ कर देना है। जब आप ऐसे करेंगे तो उसके बाद फिर आपके पास यहाँ पे, ये मैंने पहले ही किया हुआ था, ये पेज आ जाएगा, ठीक है। जब ये पेज आ जाएगा तो सिंपली आपका यहाँ से अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, लेट्स ब्रेक द चेन ऑफ कोविड-19 इन्फेक्शन अवेयरनेस प्रोग्राम, यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको प्ले करते हैं, लेट्स स्टार्ट। वेलकम टू द कोर्स। NBRU's Community Immunity Ambassador Program aims to identify and empower representatives from the community like yourself to prevent and control the spread of COVID-19. In this course, you will learn about the ways that respiratory infections are transmitted, the elements of the chain of infection, and effective prevention strategies. Upon the completion of the course, you will obtain a certificate of completion and have a task to challenge another 3 members of the community to take the course. Let's break the chain together. यहाँ से फिर हम इसको प्रोसेस करेंगे, कंटिन्यू। Hi, in this video, I'm going to show you how to make your way around this course. On the complete left side, continue. You can see all the units included. यहाँ पे वो टोटल बता रहा है कि ये इन्फेक्शन चाइना में कहाँ से फैला, कोविड-19 वुहान सिटी से फैला, और उसके बाद ये आपको यहाँ पे बताएगा कि आपको किस चीज़ की अवेयरनेस इसमें दी जाएगी। और एंड में वो कह रहा है कि प्रिंट एंड शेयर योर सर्टिफिकेट, ठीक है। ये जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ये मोहम्मद बिन राशिद यूनिवर्सिटी, मोहम्मद बिन राशिद यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज, ये यूनिवर्सिटी दुबई में है, उनकी तरफ से आपको आखिर में सर्टिफिकेट मिलेगा। ये पहले वीडियोस चलेंगी, फिर इनके वीडियोस में आपने देखना है, उनको गौर से सुनना है, और आखिर में आपको MCQs आएंगे, उनको जब आप सॉल्व करेंगे
तो फिर आपको सॉल्व करने के बाद आपको आखिर में ये सर्टिफिकेट मिलेगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये इसी तरह पैराग्राफ आएंगे, आपने इनको पढ़ना है और इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने उसको उनको नोट कर लेना है, ठीक है। और क्वेश्चंस आपके इसी तरह इन्हीं में से आएंगे। जो आपके पास इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आप उसको नोट कर लें सेपरेट और कंप्लीट एंड कंटिन्यू उसके बाद। वो यहाँ पे बता रहे हैं व्हाट इज कोविड-19। Viruses are a large family of viruses that cause illness ranging from the common cold to more severe diseases such as the Middle East Respiratory Syndrome, MERS, and Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS. This new coronavirus is spread from one person to another primarily through respiratory droplets generated when an infected person coughs or sneezes. According to recent reports, it may be possible that people infected with the novel coronavirus can spread the virus even before showing significant symptoms. Some patients with confirmed infections with the novel coronavirus have showed little to no symptoms, while others have become severely ill and died. Symptoms of infection include fever, cough, and shortness of breath. At this time, it is believed that symptoms may appear in as little as 2 days or as long as 14 days after exposure. Scientists are working very hard to understand this new virus and produce a vaccine. Antibiotics do not work against viruses. They work on bacterial infections. Therefore, antibiotics should not be used as a means of prevention. तो व्यूअर सिंपली जो आपको क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरह वीडियो चलेगी और उसी में से आपने वो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आपने नोट आउट कर लेने हैं। उसी में से आपको क्वेश्चंस आएंगे और आपने उनका एमसीक्यूज का आंसर देना होगा। और फर्दर ये नीचे सारा जो वो बोल के गई है उसकी डिस्क्रिप्शन ये सारी लिखी हुई है, ठीक है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि कोविड-19 क्या है। अब इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन हम पढ़ेंगे कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। इसी तरह वो सिंपली वीडियो में बताएगी और नीचे सारे डिस्क्रिप्शन में बयान किया होगा कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। और इसी में से फिर आपको आगे क्वेश्चंस के आंसर एमसीक्यूज आएंगे। ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ड्रॉपलेट्स, कॉन्टैक्ट ट्रांसमिशन और एयरबोर्न ट्रांसमिशन। सिंपली हमने कंप्लीट एंड कंटिन्यू किया। अब ये वो वहां यहां पे हमारे पास क्वेश्चन पूछेगा
और इस जगह पे मैं वीडियो को पॉज करूँगा। तो मैंने जो है क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए में मैंने वीडियो स्टॉप कर दी थी, क्योंकि आप बेसिकली इस प्रोग्राम का जो मकसद है वो लोगों को अवेयरनेस देना है। अगर मैं यहाँ पे आपको आंसर बता दूँगा तो सिंपली आप उस सर्टिफिकेट को लेने के लिए जो दुबई की यूनिवर्सिटी है, मोहम्मद बिन राशिद यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस, मेडिसिन एंड हेल्थ साइंसेस, आप सिर्फ उसका सर्टिफिकेट लेने के लिए इसको करेंगे और जो है आप अवेयरनेस इसकी बिल्कुल भी नहीं हासिल करेंगे। तो लिहाजा इस वजह से जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं उनमें वीडियो को पॉज कर दूंगा, ठीक है। ये पहला फेज़ कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे अब वो कह रहा है कि यू कंप्लीट वन, हाउ आर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ट्रांसमिटेड। ओके, सो आई विल कंटिन्यू अगेन। अब वो यहाँ पे हमें बता रहा है कि इसकी चेन किस तरह है, इन्फेक्शन की चेन क्या है, चेन ऑफ इन्फेक्शन क्या है, ठीक है। तो ये किन किन चीज़ों से ये फैलता है, ये जो उसने ये जो पिक्चर्स बनाई हैं ये सिंपली यहाँ पे उसने डिस्क्रिप्शन में भी एक्सप्लेन किया हुआ है, छह चीज़ें हैं जिनसे ये फैलता है, ठीक है। ये मैंने नोट की थी अपने रजिस्टर पे, तो आप भी अपने रजिस्टर पे नोट कर लें। कंप्लीट एंड कंटिन्यू। In order for an infection or disease to happen, six elements must be in place. This process is known as the chain of infection. The first element in the chain is an infectious agent which can cause a disease. It could be a virus, bacteria, or fungi. The second element is the reservoir, or the place where the infectious agent lives. It can be a person, an animal, soil, food, water, etc. Then we have a port of exit, which is the way the agent leaves the body. This can happen through the mouth if a person coughs or sneezes, through a cut if a person is bleeding, during diaper changes or toileting. The next element is the mode of transmission, which is how the infectious agent is transmitted from one person to another. It can be in form of droplets, direct or indirect contact, or through airborne transmission. The fifth element in the chain of infection is the port of entry, or the place where the infectious agent enters another person's body. This is similar to the port of exit, so it can be a mouth, nose, eyes, an open cut, etc. Finally, we have a susceptible host. It's either a baby, an elderly person, or someone with a weakened immune system. To prevent the spread of the disease, one of the links in the chain of infection must be broken. तो उम्मीद है आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। छह एलिमेंट हैं इसके चेन ऑफ इन्फेक्शन के, तो ये फर्दर उसने डिस्क्रिप्शन में भी यही सारी चीज़ें बयान की हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके बाद कंटिन्यू, अब वो क्वेश्चन फिर पूछेगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा पॉज कर रहा हूँ, क्वेश्चन आपने आंसर खुद करने हैं इनके। कंग्रेचुलेशन, हमने एग्जाम्स पास किया है दूसरे वाला। तो फर्दर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। यू कंप्लीटेड टू द चेन ऑफ इन्फेक्शन, कंटिन्यू। ओके, सो कैन वी ब्रेक द चेन ऑफ इन्फेक्शन। तो ये फर्दर सारी यहाँ पे डिटेल आपको बताएगा और इसी में से आगे MCQs आएंगे, ठीक है। ये जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है इसी में से आपको आगे क्वेश्चन आएंगे और
आपको आंसर करने होंगे। बस आप इसमें से सिंपली इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने पास नोट कर लें, हाउ टू प्रोटेक्ट एंड प्रिवेंट। तो ये फर्दर वो बता रहा है कि हाथ को धोएं, ठीक है, कफ एंड स्नीज इक्विटी, इसके बाद क्लीनिंग एंड इन्फेक्शन इन्फेक्टिंग आवर होम एनवायरमेंट्स, प्रैक्टिसिंग सोशल डिस्टेंसिंग। सिंपली आप सारे पॉइंट जो है नोट कर लें अपने पास रजिस्टर्ड पे। कंप्लीट एंड कंटिन्यू करते हैं। और ये फर्दर मेरा वीडियो बनाने का आपको फ़ायदा ये होगा कि आप इस वीडियो को देख के सारे पॉइंट जो है वो नोट कर लें, और जब आप इस वीडियो को ऑन करें और उसके बाद आप आसानी से सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं, सिर्फ अगर आप इसी वीडियो को तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि हाथ धोने का क्या तरीका है, इसके सात मेथड उसने बताए हैं ना, तो इसी तरह वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि हैंड वॉश के एमसीक्यूज में कितने स्टेप्स हैं। तो 5 लिख देगा, 6 लिख देगा, 2 लिख देगा, तो जो आपने करेक्ट एमसीक्यू है उसको क्लिक करना है। फर्दर ये वीडियो उसने दी हुई है कि एक्सप्लेनेशन के लिए ऑन करते हैं। ये देखें, ये एक स्टेप है, दूसरा स्टेप उसने फिंगर के में, ये तीसरा स्टेप है, ठीक है, ये चौथा, पांचवा, ये फिंगर उसने साफ की है, छठा सॉरी, और ये सातवां। वीडियो को दोबारा देखते हैं, ठीक है, ये सिंपली उसने ये पहला स्टेप है, ये दूसरा है, ठीक है, ये चौथा स्टेप है, ये पांचवा है, ये छठा है, और ये सातवां है, ठीक है। फर्दर उसने आगे डिटेल भी दी हुई है यहाँ पे ना, अगर आप ये चार्ट देखेंगे, पहले स्टेप में वो सोप लगाता है, दूसरे में पीछे से साफ करता है फिंगर के दरमियान में, ठीक है, पीछे से, तीसरे में जो है फिंगर को बिटवीन रब करता है, ठीक है, और ये चौथे में, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, फर्दर आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह वो आपसे आंसर पूछ सकता है एमसीक्यूज में। कंप्लीट एंड कंटिन्यू। अब वो कहता है कि हैंड सैनिटाइज़र आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो सिंपली इसका यही आंसर है, मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, हैंड सैनिटाइज़र आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो ये सिमिलर टू जिस तरह जो उसने हैंड वॉश का स्टेप बताया है, ये वही आप सिंपली उसी तरीके से हैंड सैनिटाइज़र भी अप्लाई करेंगे। जैसे वो हैंड वॉश किए हैं उसने, सेम टू सेम ये वैसे ही हैंड सैनिटाइज़र आपने अप्लाई करना है। देखें ये 7 स्टेप वही हैं, सेम टू सेम। जिस तरीके से आपने हैंड वॉश किए थे उसी तरीके से आपने हैंड सैनिटाइज़र अप्लाई करना है। चलते हैं आगे, ठीक है, और ट्वेंटी सेकेंड तक आपने सोप लगा रहने देना, अगर आपने हैंड वॉश करने हैं, और सैनिटाइज़र जो है वो आपने हैंड जिस तरह वॉश करते हैं उसी तरह आपने अप्लाई करना है। तो 60% अल्कोहल है इसके अंदर। कंप्लीट एंड कंटिन्यू करते हैं।
कफ एटिकेट। अब वो वीडियो में सिंपली आपको वही चीज़ बताएगी जो उसने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, ठीक है। तो ये बड़ा अच्छा, बड़ा यानी कि बड़ी आसानी से आपको समझ आ सकती है। पहला स्टेप है वो टिश्यू को कैसे खांसी के बाद उसने वेस्ट कर दिया, फिर उसने हैंड वॉश किए, ठीक है, और फिर उसने बताया आपको कि सिंपली जो है आपने कफ कैसे करनी है, आपने हाथ नहीं आगे रखना कफ करने के लिए। ये देखें स्नीजिंग आपने टिश्यू के साथ की है, ठीक है, फौरन उसको वेस्ट किया है, हैंड वॉश किए हैं उसके बाद, और जो कफ़ करनी है उसने उसका तरीका बताया हुआ है कि कैसे कफ़ करनी है, हाथ नहीं मुंह के आगे रखना, अपनी बाजू रखनी है, ठीक है। कंप्लीट एंड कंटिन्यू करते हैं, और इसमें से भी क्वेश्चन आए थे, मुझे क्वेश्चन इसमें से भी आया हुआ था एमसीक्यू उसका, तो इसको आपने अच्छे तरीके से जो है ना वो प्रिपेयर कर लेना है। क्योंकि इस वीडियो को देखने का फ़ायदा ये होगा कि आप क्वेश्चन के आंसर जो है वो फौरी से उनका रिप्लाई कर देंगे, फौरी से उनको सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं आगे, क्लीनिंग योर एवरीडे एनवायरनमेंट से आगे निकलते हैं हम, कंप्लीट एंड कंटिन्यू। सोशल डिस्टेंसिंग का वो तरीका बता रहे हैं आप। बेस्ड ऑन ग्लोबल ट्रेंड्स, द नंबर ऑफ केसेस इज एक्सपेक्टेड to double every 4 days unless we change our behavior. So if we have 100 cases today, after 4 days there will be 200 cases, after 8 days there will be 400 cases, and after 2 weeks we will have more than 800 cases. But changing your behavior will help to slow the speed at which the virus spreads in the UAE population. Data from other countries has shown that physical distancing and hand hygiene measures can help slow the speed at which the virus spreads and may even reduce the total number of cases. For example, if 100,000 people become infected with COVID-19 in the UAE, it is extremely important that the hospitals do not receive all of these cases in a 2-week period, but they are spaced out over a 2-month period. If we slow the speed at which the virus spreads throughout the UAE population, then we can help hospitals treat patients more effectively. Maintaining physical distance 2 meter. मेरे ख्याल में ये भी क्वेश्चन था, तो इसी तरह जो है ना आप इसके पॉइंट बना लें, ठीक है, तो ताकि आपको क्वेश्चंस के आंसर देने में आसानी हो। 56% मैंने जो है कंप्लीट कर लिया ना अपनी। तो इसको पोज करते हैं यहाँ पे। तो हमने इसको कंप्लीट कर लिया है माशाल्लाह, 100 out of 100 मार्क्स हमारे आए हैं, ठीक है। तीन सेशन हमने कंप्लीट कर लिए हैं,
ठीक है, अब हम नेक्स्ट सेशन में चलते हैं। इसी तरह के क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी में से आएंगे। ये जो वीडियोस और डिस्क्रिप्शंस उसने दी हुई है ना, कोशिश करें आप ये वीडियो पहले रिव्यू कर लें और अपने पास रजिस्टर्ड रखें, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो नोट करते जाएं, और फिर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने में बड़ी आसानी होगी, फौरन से आप क्लिक कर जाएंगे। वीडियो में मैं इस वजह से आंसर नहीं बता रहा कि ये बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम है, ठीक है। तो आपको मेहनत करके इसको कंप्लीट करना चाहिए, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से, इसको कंसंट्रेशन के साथ इसको समझें, इसको पॉइंट आउट करें, पॉइंट नोट करें इसको। और इसका फ़ायदा ये है कि COVID-19 का फैलाव जो है वो कम से कम होगा, आपको अवेयरनेस आएगी। तो लिहाजा इस वजह से मैं क्वेश्चंस के आंसर जो हैं वो मैं जब आते हैं मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो को, आगे चलते हैं, ठीक है। अब वो यहाँ पे हमें बता रहा है कि मास्क को पहनने का क्या तरीका है, ठीक है। N95 मास्क और ये 3-ply मास्क, दो किस्म के मास्क होते हैं, सर्जिकल मास्क 3-ply मास्क और N95 मास्क, इसको पहनने का क्या तरीका है, ठीक है। आगे चलते हैं, सिंपली पॉइंट नोट करें, आप इम्पोर्टेंट पॉइंट्स नोट करें रजिस्टर पे, ठीक है, और इजीली आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे वो बता रहा है आपको कि आपको मास्क कब पहनना चाहिए, कंप्लीट एंड कंटिन्यू। कहता है कि N95 मास्क जो है ना वो बेसिकली हेल्थ केयर वर्कर जो है उनको रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल यूज में आप और मैं या कोई और बंदा है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रोफेशन से रिलेटेड है वो N95 मास्क यूज़ करें। अगर आप हॉस्पिटल में हैं, अगर आप फार्मेसी पे हैं, अगर आप वार्ड में हैं तो N95 मास्क यूज़ करें। और अगर आप आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नहीं है पेशेंट के साथ तो आप 3-ply मास्क भी यूज़ कर सकते हैं, जिसे सर्जिकल मास्क कहते हैं, क्योंकि ये ना हो कि आप ही सारे मास्क यूज़ करते जाएँ और डॉक्टर बेचारे जो हैं हेल्थ केयर प्रैक्टिशन जो है उनको मास्क मिले नहीं, मार्केट में मास्क शॉर्ट हो जाए। तो ये बेसिकली वो अवेयरनेस यहाँ पे दे रहा है। अब वो बता रहा है कि ये थ्री प्लाई मास्क आपने कैसे पहनना है, सर्जिकल मास्क आपने कैसे पहनना है। तो यहाँ पे वो बता रहा है जो बाहर वाली लेयर है वो फ्लूइड रिपेलेंट है, ठीक है। जो अंदर वाली लेयर है वो बैरियर है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पास नहीं होने देती, मिडल लेयर जो है सॉरी। और जो अंदर वाली लेयर है वो मॉइस्चर को अब्सॉर्ब करती है, मॉइस्चर अब्सॉर्बिंग है, ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, तीनों चीज़ें इसमें से भी आ सकता है MCQs। इसको आप देख लें, आउटर लेयर, मिडल लेयर और इनर लेयर का फंक्शन। आगे चलते हैं, अब वो यहाँ पे कह रहा है कि आपने मास्क प्रॉपरली किस तरह पहनना है, ठीक है। उसको पहनना किस तरह है, उसको रिमूव किस तरह करना है, चलें देखते हैं वीडियो को।
देखते हैं ये हैंड सैनिटाइजर एंड पे अप्लाई करता है। चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। चेक योर अंडरस्टैंडिंग। अब मैं पॉज करूंगा वीडियो को। आप ये हमने नेक्स्ट फेज किया है तो उसमें भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह 100% स्कोर मिला है। ठीक है, तो बेसिकली मैं जब MCQs आते हैं मैं वीडियो पॉज करने का मकसद ये है कि आप इस अवेयरनेस प्रोग्राम को कंसंट्रेशन के साथ करें फिर ही आप इस सर्टिफिकेट को लें। वो पाकिस्तान में बूटियों वाला सिलसिला नहीं करें जिस तरह पाकिस्तान में बूटियों वाला सिलसिला चलता है। गुस्सा नहीं करना यार, सिंपली आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। Well done. Thanks a lot, man. Thank you so much, boy. अभी जल्दी से मैं हमारा सर्टिफिकेट दे दे यार। Congratulations on becoming the newest MBIU Community Immunity Ambassador. वीडियो को देखते हैं। You are now equipped with the information and tools to help promote good practices that will reduce the spread of COVID-19. Now is the time to make a pledge and take actions. अभी ये जिसके लिए हमने किया है, जिस चीज के लिए हमने ये प्रोसेस किया है, एक तो अवेयरनेस के लिए और दूसरा अपने सर्टिफिकेट के लिए। सिंपल उसने गाइडलाइन दी है ना जो आपने पढ़ा है ना, कि बस उसने रिवीजन उसने आपकी आपको करवा दी है। आखिर में गाइडलाइन सारी उसने दी है। कंप्लीट एंड कंटिन्यू करें। हमारा सर्टिफिकेट निकाल भाई। ये भाई कह रहे हैं कि तीन फ्रेंड्स को, फैमिली मेंबर्स को टैग करो। मैंने वीडियो बना दी है, तीन को नहीं, मैं अपने चैनल पे डालूंगा। ये डॉक्टर अनवर मेरा चैनल है, इस पे डालूंगा और जितने लोगों को अवेयरनेस मिलेगी सो भी मिलेगा मुझे। कंप्लीट एंड कंटिन्यू करते हैं। गेट योर मोहम्मद बिन राशिद यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट, इसको क्लिक करते हैं। अब ये हमारे पास नीचे डाउनलोड हो गया है। ये मेरे पास, ये देखें, ये डाउनलोड में आ गया है। इसको ओपन करते हैं। शो इन फोल्डर, ठीक है। लास्ट में ये आपके पास ऐसे सर्टिफिकेट आएगा।